आज मैं आपको जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो एक ऐसी मशीन है, एक मशीन तीन काम, एक मशीन तीन काम, जादू है इसका नाम। रोजाना 8 घंटे काम करके 3,000 से 5,000 रुपए डेफिनेटली कमा सकते हैं, कम से कम। अब हम इसको रिमोट से चलाएंगे। ओके। इसमें घर के बुजुर्ग, बहन बेटी, लेडीज अपनी चेयर डाल के साइड में बैठ जाएं और अपना रिमोट से इसको ऑपरेट करते रहे। जिन गांव में, देहात में बिजली की समस्या है वहां पे ये बहुत ज्यादा कामयाब है, क्योंकि बिजली की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, मतलब बिना बिजली के भी, बिना बिजली के भी प्रोडक्शन होता रहेगा, माल बनता रहेगा। चाहे मशीन आप 1 करोड़ की ले लीजिए, जब तक मटेरियल नहीं है आपके पास आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिना, जैसे एक बंदूक में कारतूस नहीं है तो वो लोहा है, इसी तरह मशीन भी एक लोहा है अगर उसको मटेरियल ना मिले तो। दोस्तों, आज की वीडियो भी होने वाली है बहुत ज़्यादा शानदार, एकदम धमाकेदार। आज हम आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं, और ऐसा प्रोडक्ट आप लोग का यहाँ पर बनने वाला है जिसकी डिमांड, जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में बनी रहती है। मतलब गांव हो, शहर हो, हर जगह देखिए ये प्रोडक्ट बिकता है और लोग इसको खरीद करके इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब तक धरती पर इंसान रहेगा तब तक ये प्रोडक्ट आप लोगों का बिकेगा। मतलब आप इस व्यापार को शुरू करके कभी भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा देखिए आप लोगों का यहाँ पर होने है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन लघु उद्योग के बारे में बताने वाला हूं, जिसको कि आप काफी कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये मशीन ऐसी दे रखी है, बिजली से भी चलेगी, और अगर बिजली नहीं है तब भी इस मशीन को आप चला सकते हैं, और एक मशीन को लेकर के आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह का व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो यह सब दिखाने के लिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूं सागर इंडस्ट्रीज पे। तो चलिए मिलते हैं सर से, देखते हैं कौन सा बिजनेस हो जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन करके तैयार हो रहा है, कितना मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं, सारा कुछ बताता हूं आप लोग को। तो दोस्तों, सागर इंडस्ट्री से सर मेरे साथ, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं मनोज शास्त्री, सागर इंडस्ट्री दिल्ली से। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं, उनको एक तो लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती जी, और जो मैं आपको उद्योग बताने वाला हूं एवरग्रीन है, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह चलने वाला काम है। बिल्कुल, गांव, देहात, शहर, यहाँ तक के विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बस अब बात करूँ तो जैसे ये आप व्यापार बता रहे हैं, ये अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो कितनी पूंजी और कितना अमाउंट लगा करके कोई इस काम को शुरू कर सकता है? सर, इस व्यापार को आदमी कम से कम 5,000 रुपये लगाकर भी अपना व्यापार शुरू कर सकता है। 5,000 रुपये में हम आपको मशीन प्रोवाइड कर देते हैं, रॉ मटेरियल भी देंगे, और आप अपना काम सेटअप करके आगे बढ़ सकते हैं। सर, सर जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन इस सामान को, इस प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाए, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए? सर, आप प्रोडक्ट बना लेंगे, उसको बेचने के सारे तरीके, सलीके, और कैसे व्यापार किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, मैं आपकी 1-2 महीने तक पूरी मदद करूंगा। अच्छा। गारंटी के साथ, मतलब पूरा सपोर्ट आपकी तरफ से, पूरा सपोर्ट मिलेगा, कैसे बेचा जाता है, कहां बेचा जाता है, हर तरह की गाइडलाइन मैं आपको दूंगा। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह की बात करूं तो मशीनें तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उनको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो वो चीजें कैसे उनको सप्लाई की जाएंगी? सर, मैं इस रॉ मटेरियल के मैटर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं सभी को, रॉ मटेरियल आपको मेरे पास ही मिलेगा, चप्पल बनाने का हो, चाहे पेपर प्लेट बनाने का हो, या जूना मेकिंग का हो, तीनों रॉ मटेरियल का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं आपको देने वाला हूँ। अपने साथ सभी कस्टमर स्टैम्प पेपर लेके आए और मैं 10 साल तक चप्पल बनाने का मटेरियल देने का वादा करके साइन करके दूंगा। आधी दिल्ली जी मेरे से सीट का मटेरियल लेती है। नरेला में मेरी अपनी फैक्ट्री है जहाँ पे हम मटेरियल बनाते हैं। जो भाई किसी नाम से भी चाहेगा अपने नाम से ब्रांड बनवाना, वो भी हम बना के दे देंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, जो मशीनें बनाता हूँ, रॉ मटेरियल बनाता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे जो छोटे डीलर हैं, जो मशीनें हमसे लेके
और उस पे 2-4 हज़ार प्रॉफिट देके आगे बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। सर अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो कोई इस मान लीजिए लघु उद्योग को शुरू करे तो उससे कितनी कमाई वो कर सकता है सर? सर इसमें आप रोजाना 8 घंटे काम करके 3,000 से 5,000 रुपए डेफिनेटली कमा सकते हैं कम से कम। मतलब बात करूं तो महीने का 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए कोई आसानी से कमा सकता है? बिल्कुल गारंटी से कमा सकता है। आसानी तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, गारंटी से, लेकिन मेहनत करनी होगी। बिल्कुल ये नहीं होगा कि कोई मशीन ले जाके घर में उसको चद्दर डाल के रख दी और मेरे पास क्लेम करने के लिए आ जाए बाबू जी 1,00,000 रुपए नहीं आई। मेहनत आपकी साथ मेरा 200% का साथ दूंगा सर। दोस्तों देखिए हर तरीके से देखिए लघु उद्योग शुरू करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए आप लोगों को सागर इंडस्ट्री से मिलने वाला है। मतलब व्यापार करिए और महीने के महीने आप 1,00,000 रुपए की आमदनी यहां से कर सकते हैं। आज मैं आपको जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो एक ऐसी मशीन है, एक मशीन तीन काम जादू है इसका नाम। क्या बात है, ऐसी मशीन जो सैंडल बनाएगी, स्लीपर बनाएगी लेडीज जेंट्स और बच्चों के, जूना पैकिंग करेगी, ड्राई फ्रूट और मसाला पैकिंग करेगी और सबसे मेन बेहतर पेपर प्लेट डोने से लेकर 14 इंच की प्लेट तक, थाली तक, सब कुछ बना के देने वाली है सर। मतलब एक ही मशीन है सर, इतना काम हो जाएगा? एक मशीन से इतना काम डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल करके भेजूंगा यहाँ से। अच्छा जी, क्या बात। और इनकी बनाने की पूरी ट्रेनिंग भी मैं आपको देने वाला हूँ। कोई भाई ये ना कहते कि मुझे काम नहीं करना था, उसको यहाँ से लिखवा के भेजूंगा सर्टिफाई करके कि मैं काम सीख गया हूँ। ये मशीन तीनों एक ही है। बिल्कुल, मैंने 3 मशीन इसलिए लगा रखी है कि उसकी डाई चेंज करे, उसकी करे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है जी। ये देखिए मशीन तीनों एक है। जब आपको पेपर प्लेट बनानी है तो आप पेपर प्लेट की डाई लगा लेंगे, ठीक है। आपको पेपर प्लेट नहीं बनानी, चप्पल बनानी है, ये खोल के आप इसमें पेपर ये चप्पल बनाने का पंच लगा लेंगे। अच्छा, डाई चेंज हो जाएगी? डाई चेंज हो जाएगी। ये ध्यान दीजिए, इधर देखो नट लगे हुए, ये देखो नट जी, ये 3 नट खुलेंगे और ये डाई चेंज हो जाएगी। ओके, आपने पेपर प्लेट भी बना लिया जी, आपने चप्पल भी बना ली और आपको जूना पैकिंग करना है तो यही 3 नट खुलेंगे सर। ये देखिए यहाँ पर भी है और ये 3 नट खुल के ये डाई लग जाएगी दूसरी। ये लग जाएगा तीसरी डाई, ये जूना पैकिंग की है। यानी एक मशीन 3 काम, केवल आपने डाइयां चेंज करनी है और आगे बढ़ते रहना है। ये देखिए सर, इसमें पेपर प्लेट 10 इंच की थाली बहुत ही बेखूबी से बनाई जा रही है। इसमें पीछे फैन लगा हुआ है जो पेपर प्लेट को बनाने के बाद अपने आप हवा के माध्यम से बाहर फेंक देता है। और ये 1 किलो की कीमत पेपर रोल की 70 रुपए है। अच्छा जी। जिसमें पेपर प्लेट बड़ी वाली 250 बनती है और अगर आप इसमें डोना बनाए छोटा तो 350 डोना बन जाते 1 किलो में, यानी 70 रुपए में 350 पीस। मशीन से आप इसमें 5 इंच का डोना बना सकते हैं जी, इसमें आप ये प्लेट बना सकते हैं 8 इंच की। अच्छा, इसमें बफर प्लेट बना सकते हैं, इसमें आप ये और वाइट पेपर की बना सकते हैं, इससे बड़ा साइज और उससे और बड़ा साइज। ये देखिए आप कितने प्रकार की प्लेटें इसमें बना सकते हैं। बिल्कुल, और बड़े से बड़ी थाली भी बना सकते हैं जिसमें कि आपको एक क्वालिटी का मिलने का अभाव होता है। मतलब देखिए दोस्तों फिनिशिंग देखिए काफी अच्छी फिनिशिंग। ये देखिए सर फिनिशिंग देखिए, बिल्कुल मार्केट में ऐसी चीज जल्दी से मिलेगी नहीं आप। बिल्कुल इस तरीके से सारा, ये देखिए माल देखिए, छोटे से बड़ा पूरा दोना यहाँ पे बन चुका है, ये देख सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार, ये क्वालिटी मेंटेन करते हैं सर हम, जब ये हमारा माल बिकता है। सर प्रोडक्शन की बात करूं, जैसे मान लीजिए 1 घंटे को इस मशीन को चलाए तो कितनी प्रोडक्शन कर सकता है सर? 8 घंटे में कम से कम भी 50 किलो से भी ज्यादा माल निकाल देती है। अच्छा, 50 किलो से 70 किलो की नॉर्मल एवरेज है 8 घंटे की। मशीनें तो आपको और भी बहुत मिलती हैं। बिल्कुल 3-in-1, लेकिन मेरी मशीन की खासियत ये है कि इसके अंदर रोल लगता है जो अपने आप आगे खींच के प्लेट बनाती हैं। ओके, 90% आपको ऐसी मशीनें मिलेंगी जिनमें एक एक पीस कटता है। बिल्कुल, कोई भी इंसान मशीन खरीदने से पहले ये ध्यान रखे कि
वो ये देखे कि उस मशीन में रोल चलता है या हाथ से लगाते हैं। अगर हाथ से लगाएंगे तो सारे दिन में आप क्या बना पाएंगे? कुछ भी नहीं बना पाएंगे। मतलब इसमें रोल लगा दिए ऑटोमेटिक है जी जनाब, एक चलता रहेगा। एक बार 40-50 किलो का रोल लगा दीजिए और कुर्सी पे बैठ कर टीवी देखिए, आपकी प्लेटें बनके तैयार आती रहेंगी। जी जनाब, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मशीन, पहले आपने देखा पेपर प्लेट कैसे बनाते हैं जी, उसके बाद सेकंड इसका स्टेप है चप्पल बनाना, स्लीपर बनाना। स्लीपर बनाने के लिए वो चेंज करके हमने ये पंच लगा दिया है और इसमें मैं आपको अब स्लीपर बना के दिखाता हूँ, एक साथ एक जोड़ा चप्पल कैसे काटती है। ये लीजिए धर्मपाल जी, बनाइए सर। ये देखिए, पहले हमने सीट ली जी, और सीट के ऊपर ये डाई ली, एक साथ दो चप्पल, यानी कि इधर ब्लेड है और इधर ब्लेड नहीं है। ध्यान रखें हर कस्टमर, ब्लेड की साइड नीचे आनी चाहिए, उल्टा नहीं लगाना है। ये लगा दिया हमने और एक बार में एक पैर कट जाएगा, पूरा पैर आपके सामने कट के तैयार हो जाएगा सर। और ये आपने ये बना के, ये लो जी, ये आपकी चप्पल बहुत ही बेहतर तरीके से कट के तैयार है सर। ये लीजिए सर, अरे वाह, एक शॉट में आपकी चप्पल तैयार है सर। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैनुअल दिखाया है, ये मशीन ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक लगाइए सर, बटन से दिखा दीजिए बस। ए, ये मैनुअल है, अब ऑटो दिखाइए। ए, ये है सर ऑटो, ठीक है। एक बार बटन दबा दिया, अपने आप आगे काट के जाती रहेगी। ओके, क्या बात, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, काफी अच्छी फिनिशिंग आ गई सर। ये सर ये देखिए, ये एकदम आपकी ब्रांडेड शोरूम वाली कंडीशंस हैं जी, और इनकी लुक देखिए आप, बिल्कुल कितनी बढ़िया शाइनिंग है, कितनी बढ़िया फिनिशिंग है, क्या बात। और इसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है कि कोई इसमें कमी निकाल सके। सही बात जी जनाब, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका तीसरा स्टेप जी, यानी एक मशीन तीन काम, जादू है इसका नाम, का तीसरा काम है जूना मेकिंग कैसे किया जाता है जी। सबसे पहले धर्मपाल जी मशीन ऑन करिए, आप देखिए सर, ये सबसे पहले हम ये डाई देंगे आपको लकड़ी की, इसके साथ इसके अंदर आपको ये कटोरी डाल दी जाती है, इसको ब्लिस्टर बोलते हैं जी। ये ब्लिस्टर ऐसे डाल दिया और ये जूना कटा हुआ इस तरीके कंडीशन में मैं दूंगा आपको जी। ये आपने इसमें डालना है, ठीक है। ये देखिए, ये सभी में इस तरह से है, मेरा कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि पहले ब्लिस्टर और ब्लिस्टर के बाद जूना, ये ब्लिस्टर बोलते हैं कटोरी, ये डालने के बाद ये डाल दिया, ठीक है। ये सभी में मैंने डाल दिया है और इसके बाद ये आता है सर कार्ड जी, जो एक मुश्किल से कम 10 रुपए की सेल ओपन मार्केट में बिकता है, और ये हमने इसके ऊपर सर उल्टा कर देना है, ऐसे लगा देना है, और ये लगा के आपने यहाँ पे रख देना है। आप इसको मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑपरेट करके दिखाएंगे सर, करो बस सर, ये आपका बन के समझो तैयार, इतनी जल्दी? हाँ बस हो गया सर, क्या बात है। मतलब पैकेजिंग का काम देखिए उसमें इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको 3-in-1 मशीन के बाद मेरी सागर अवतार लीवर वाली, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक विद रिमोट कंट्रोल तीनों मशीन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जी। ये मशीनें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोलिक है, चप्पल बनाने का पूरा काम ये करती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये लीवर वाली है सर, इसमें लीवर से आप अप और डाउन करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दिखाऊंगा मैं आपको फुल्ली ऑटोमेटिक विद रिमोट कंट्रोल। अच्छा, फुल्ली ऑटोमेटिक विद रिमोट कंट्रोल, ये मशीन आपके दो ढंग से काम करती है। ये स्टार्ट हो गई सर जी। इस मशीन को आप मैनुअल भी चला सकते हैं और रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं, जैसे कि ये मैनुअल चला दी मैंने सर, बिल्कुल। ये है आपकी मैनुअल, बिल्कुल। और अब हम इसको रिमोट से चलाएंगे, ओके। इसमें घर के बुजुर्ग, बहन बेटी, लेडीज अपने
अपनी चेयर डाल के साइड में बैठ जाएं और अपना रिमोट से इसको ऑपरेट करते रहें सर। ये फैसिलिटी सबसे बड़ी है, बिल्कुल ना हाथ आने का डर ना कुछ डर। ठीक बात है। अभी मैं आपको चप्पल काट के दिखाता हूँ सर। सर ये देखिए, हमने सीट ली जी, और सीट के बाद ये डाई हमने इसके अंदर रखी, एक साथ दो चप्पल कैसे काटती है, लगाई सर। ये आपने चप्पल की एक साथ दो पीस काटेगी और डाई लगा दी। मैं पहले आपको मैनुअल दबाता हूँ, ये हो गया, और अब इसको मैं रिमोट से करता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए सर कितनी बढ़िया चप्पल बनके एकदम तैयार हो गई आपकी। ये देखिए सर चप्पल की कटिंग यहाँ पे देखिए इस तरीके से कितनी बढ़िया है। ये निकाल के दिखाइए सर, बहुत ही शानदार। ये देखिए सर कितनी बेहतर चप्पल बनके आपकी तैयार हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ब्रांडेड चप्पल। ये आपको एडिडास, स्पार्क, पुमा, बड़ी कंपनियों में ही ये ब्रांड मिलते हैं। लोकल जगह, लोकल दुकान पे या पटरी का सामान नहीं है, ये डब्बे का सामान है सर। सर जो मशीनें मैं दिखाई हैं, एक अवतार और एक महा अवतार 3-in-1, सर अगर इनमें अंतर की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या दे रखा है? सर इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात 3-in-1 महा अवतार जो है, महा अवतार में एक मशीन तीन काम करती है जी, पेपर प्लेट बनाती है, जूना मेकिंग करती है और स्लीपर बनाती है। बिल्कुल, ये तीनों काम करेगी। और मेरी जो सागर अवतार है ये केवल चप्पल बनाती है सर। अच्छा, इन दोनों में ये अंतर है। मतलब अगर किसी को सिर्फ चप्पल का काम करना है तो ये ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर चप्पल बनाएंगे तो अवतार ले लीजिए, और जिनको तीनों काम करने हैं वो महा अवतार लीजिए, जो कि एक मशीन और तीन काम है। जनाब अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सागर इंडस्ट्री का दूसरा धमाका। मैनुअल में कम पूंजी में एक मशीन दो काम। अच्छा, जय जवान जय किसान, मजदूर भाइयों के लिए, कम पूंजी लगाने वाले भाइयों के लिए, कौन कहता है कि काम नहीं है, हम देंगे उनको काम। ये देखिए सर, जिन गांव में, देहात में बिजली की समस्या है वहां पे ये बहुत ज्यादा कामयाब है, क्योंकि बिजली की जरूरत है। बिल्कुल जी, मतलब बिना बिजली के भी, बिना बिजली के भी काम प्रोडक्शन होता रहेगा, माल बनता रहेगा। दूसरी बात ये देखिए सर जी, इससे आप ये पंच लगा दिया तो ये चप्पल बनाएगी। ठीक है, अगर ये दो नट खोल के हमने ये निकाल दिया और ये डाई लगा दी पेपर प्लेट की, तो ये आपकी पेपर प्लेट बनाएगी। और एक जोड़ी पूरी एक साथ काटेगी, ये लीजिए, काटिए सर, हल्का सा पुश, एक झटका और आपकी चप्पल, ये लीजिए सर। अच्छा, काट के आपके सामने जी बिल्कुल तैयार है सर। अरे वाह, धर्मपाल जी निकालिए चप्पल, ये देखिए दोस्तों, ये लीजिए सर, पूरी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए सर। अच्छा, अब पहले हमने चप्पल काटी और अब इसका सेकंड स्टेप है, ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है जी। नीचे के हिस्से में बद्दी डालने के लिए छेद करना पड़ता है, जो मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल सर, हमने ग्राइंडर ऑन किया और ये छेद आपने इधर नहीं करना है, नीचे के हिस्से में करना है। ठीक है, ये आपने हल्के हाथ से, बटन बन गया, ये आपने सर सेकंड, एक चप्पल और मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। ये देखिए सर, ये देखिए सर, बहुत ही बेखूबी से इनमें तीनों में बटन हो गए हैं। बिल्कुल, अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कम है तो मैं फिनिशिंग करना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा जी। ये देखिए सर, हल्के हाथ से, कोई ज्यादा दबाव की जरूरत नहीं है। ये देखिए सर, ये देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग आ गई, बहुत बढ़िया एकदम। अब ये आपकी छेद भी हो गए हैं, फिनिशिंग भी हो गई है, और तीसरा और लास्ट स्टेप है सर इसमें, स्टेप डालना यानी कि बद्दी डालना। बिल्कुल, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर, हमने कोई भी चिकना तेल पदार्थ जो
बद्दी डालने में आसानी करे हमने लगाया और हल्के हाथ से आधी स्टेप ही इसके अंदर डाली और नीचे पंप से दबा दिया। अच्छा, पीछे देखिए सर, हाथ से दिखाइए कि पांव से कैसे इसका लीवर दबाते हैं नीचे। जी जी जी। ये डाला, ये आधा ही डालना है, पूरा नहीं, और पांव से पंच कर दिया। ओके। और ये आपकी बद्दी डल के तैयार सर। ये देखिए, ये देखिए सर, कितनी जल्दी आपकी चप्पल बनके बिल्कुल तैयार है। अरे ये देखिए, एक और बना के दिखाइए। ये देखिए सर, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हल्का तेल लगाया, पिन के अंदर डाला, बद्दी का आधा ही हिस्सा इसके अंदर डालना है और ये पांव से पुश किया और ये दूसरा कदम। हर बद्दी के ऊपर उसका चप्पल का नंबर डला हुआ है और लेफ्ट और राइट भी इंडिकेट किया गया है बद्दी के ऊपर। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कोई भी कस्टमर मेरा। और इस तरह से सर, ये पूरी चप्पल का एक जोड़ा आपका बनके बिल्कुल तैयार है पहनने के लिए, मार्केट में बिकने के लिए। फिनिशिंग देखिए उसमें, इस तरीके से जैसे ब्रांडेड चप्पल मार्केट में बिकती है, सेम वैसे देखिए पूरी चप्पल यहाँ पे बनकर के तैयार हो चुकी है। सर ये चप्पल मार्केट में कम से कम भी 100-110 से कम नहीं मिलती है। बिल्कुल। और ये आपको केवल मात्र 32 रुपए में तैयार हुई है। सिर्फ 32 रुपए, केवल 32 रुपए में स्टेप डाल के। और ये देखिए आप कितनी ब्रांडेड चीज है। ये स्पार्क, पूमा, एडिडास बड़ी कंपनियों में ही ये चप्पल आपको देखने को मिलती है। आप ये एडिडास, स्पार्क, पूमा बड़ी कंपनियों की चप्पलें हैं जो देखते ही आपका दिल खरीदने को लगता है और कीमत देते हुए आपको दर्द नहीं होता है। ये देखिए क्वालिटी, देखिए उसमें इस तरीके से, बस क्वालिटी फिनिशिंग आपको देखिए इस तरीके से शानदार मिल रही है। ये देखिए सर, ये चप्पल का इसकी वो देखिए, मजबूती देखिए, बिल्कुल बिल्कुल 4 से 6 महीने की गारंटी है चप्पल, बहुत ही शानदार। ये देखिए इस तरीके से, देखिए आप लोग भी अपने ब्रांड में चप्पल बना सकते हैं, मतलब ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ। देखिए आप लोगों की पूरी चप्पल मेकिंग का यहाँ पे काम हो जाएगा। और सर बात करें तो इस मशीनरी से हम क्या क्या बना सकते हैं, सैंडल वगैरह ही बना सकते हैं? सर इस मशीन में सैंडल बना सकते हैं, स्लीपर बना सकते हैं, लेडीज जेंट्स और बच्चों के सभी पाँव के बनेंगे। और सारा का सारा मटेरियल आपको मैं देने वाला हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मशीन आप 1 करोड़ की ले लीजिए, जब तक मटेरियल नहीं है आपके पास आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिना जैसे एक बंदूक में कारतूस नहीं है तो वो लोहा है, इसी तरह मशीन भी एक लोहा है अगर उसको मटेरियल ना मिले तो। ठीक बात है। तो मटेरियल की मेरे पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बहुत ही बढ़िया किस्म है और हमेशा तैयार रहता है, किसी भाई को भी निराश नहीं होने दूंगा। अब ये देखिए सर, ये मेरी हेल्थ सीट है। ये देखिए इसका वजन, देखिए कम से कम भी 4 किलो का वजन है। बिल्कुल। ये देखिए क्या, ये हेल्थ सीट है जो एक्यूप्रेशर में, शुगर पेशेंट, बीपी और थायराइड में काम आता है। बिल्कुल। डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। ये देखिए सर, ये मेरा सागर ब्रांड जो मेरा अपना गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ये रेडएक्स। अच्छा, रेडएक्स और सागर दो ब्रांड में बनाता हूँ सर। जी जी। जो मेरे अपने रजिस्टर मार्क हैं। ठीक है। ये देखिए सर, इसकी सीट की मोटाई देखिए 17 mm की मोटी है। अच्छा। और इसकी भी वजन 4 किलो से कम नहीं है। बिल्कुल। ये देखिए सर, मल्टी कलर, ये DDD जी, एकदम मतलब काफी वैरायटी सीट की, बहुत ज्यादा है सर। ये बबल्स। अच्छा, ये आपका वही डॉक्टर सीट जी, ये मेरा सागर। अच्छा। ये इसको इंडिकेट करिए सर, सागर को। ओके। ये सागर ब्रांड है मेरा। मेरा सागर ब्रांड बेचिए या कोई भी, देखिए जी एकदम गारंटी वाला सामान और ब्रांडेड माल। ठीक है। ये देखिए सर, इस तरह से मेरे पास और भी हजारों तरह के मटेरियल हैं जो आपको सारे मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अब ये देखिए आप, तीन कितनी वो लगी हुई हैं, मतलब रंग भी रहा है। देखिए आपको अलग अलग कलर में, अलग अलग डिजाइन और अलग अलग वैरायटीज की सारी शीट मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए क्या बात है, क्वालिटी देख सकते हैं इस तरीके से, बेहतरीन क्वालिटी। सबसे अच्छी बात है जनाब जी, ये सारा मटेरियल मैं मेरी फैक्ट्री में बनाता हूँ। इसके लिए मैं आपको, चलिए मेरी फैक्ट्री में विजिट करिए, एक बार दिखाता हूँ कि कैसे मटेरियल बनाया जाता है, प्रैक्टिकल अपनी पूरी पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जहाँ पे हम अपनी सागर इंडस्ट्री की स्लीपर की सीटें बनाते हैं। ये मेरा सागर इंडस्ट्री का स्लीपर्स का पूरा ब्यौरा है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे हजारों लाखों सीटें हैं। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे
हमारी एक सीट बनाई जाती है, लाइव दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये है सिल्वर सीट बनाने की मशीन, जिसमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं और 11 मिनट के बाद ये मशीन उस सीट को तैयार करके बाहर फेंक देती है। अभी टाइम पूरा होते ही मैं आपको निकलते हुए दिखाऊंगा। इसके बाद ये नीचे दिखाइए सर, इस तरह से सीट को ठंडी किया जाता है। जब आपके सामने पूरी सीट ठंडी कर दी जाती है और इधर लाइए, सीट गर्म होती है जिसको हम सीधा पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद इनमें थोड़ी सी इसकी जो गर्मी होती है कम होती है, और उसके बाद हम अपनी सीटों को इस प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं ताकि वो आराम से ठंडी हो जाए। देखिए आप मेरी इस स्लीपर सीट मेकिंग प्रेस से बाहर निकलती हुई सीटें कैसे आप सीट बनी और कितने डिग्री टेम्परेचर पे तैयार हुई और वो बाहर निकाली जा रही है, इसके बाद हम इन सीटों को पानी में डालेंगे और इस तरह से आप हमारी सागर इंडस्ट्री बनती हुई सीटें देख रहे हैं लाइव। सागर इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जो हमारे अपने ब्रांड की सीटें होती हैं उनकी 4 से 6 महीने की चलने की एक पूरी गारंटी होती है। आजकल गारंटी तो बड़ी बड़ी लखानी लक्ष्यों ने भी देनी छोड़ दी है, लेकिन हमारी स्लीपर्स की जो सीटें हैं वो 17 mm होती है और कम से कम भी चलने में भी उनकी कोई बराबरी नहीं है। मल्टी कलर मल्टी डिजाइन आपको एक से एक देखने को मिलती है। इस समय कम से कम भी 8 से 10 तरह की मशीनें हैं। ये सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा जो मात्र 5,000 रुपये की मशीन है, केवल 5,000। अच्छा, लेकिन ध्यान रहे 5,000 की केवल मशीन है, पूरा सेटअप नहीं है सर। इसके साथ ग्राइंडर, टेबल, बद्दी डालने की मशीन, डाई सेट, वो सब अलग से होगा। बिल्कुल। तो ये 5,000 की मशीन है सर। ये मशीन जो 5,000 के 8 घंटे में 400 से 500 जोड़ी चप्पल बनाकर तैयार कर देती है। अच्छा, और इसके बाद मैं दूसरी मशीन आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये वाली सर जी। ये एक साथ 2 जोड़ी चप्पल काटती है, 8 घंटे में 800 से 1,000 जोड़ी चप्पल काट के तैयार कर सकती है। ओके। और बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, 2-in-1। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, कई तरह की वैरायटीज़ की देखिए मशीनें आप लोगों को सर के पास यहाँ पे मिलने वाली हैं। मैनुअल, ऑटोमेटिक, जैसा आप चाहिए अपने बजट के हिसाब से आप लोग देखिए यहाँ से मशीन ले सकते हैं। मतलब व्यापार स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको देखिए सर के पास यहाँ पे मिलने वाला है। सर अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन वगैरह की बात करूँ तो जैसे मान लीजिए इस 3-in-1 मशीन को कोई ले ले और काम शुरू करे तो कितना मार्जिन, कितना कोई मुनाफा कमा सकता है अगर कोई ए प्रोडक्ट बनाता है तो? सर देखिए 3-in-1 मशीन जो है जी, ये 3 प्रोडक्ट तैयार करती है जी। भाई अगर आपके पास चप्पल का ऑर्डर है तो चप्पल बना लीजिए, बिल्कुल। पेपर प्लेट का ऑर्डर है तो वो कर लीजिए, जूना का है तो जूना का कर लीजिए। यानी एवर ग्रीन वर्क है जो कभी ना खत्म होने वाला है। और इसमें आदमी काम करके 4,000 से 6,000 रुपए रोजाना बचा सकता है। मेहनत आपकी और साथ हमारा है, पूरा मेटेरियल मैं टाइम से प्रोवाइड करने वाला हूँ। दूसरी बात सर, कोई भी आप स्लीपर ले लीजिए जी, या आप पेपर प्लेट लीजिए, पेपर प्लेट का रोल 1 किलो की कीमत 70 रुपए है जी, जो 1 किलो में 350 डोना बनेंगे जी और 250 प्लेट बनेंगी। ठीक है, आप अपने मार्केट से आप कंपेयर करिए, 70 रुपए में अगर 350 डोना है तो वो कम से कम भी 200-225 में बिकने वाला है। ओके, 3 times प्रॉफिट है। अच्छा, बाकी आपने मार्केट में देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल ओपन मार्केट है। जूना मेकिंग का देख लीजिए, कोई भी जूने का पैकेट जो है 1-10 रुपए का जूने का पहुंचाता है, बिल्कुल, और वो आपका 2-225 रुपए में तैयार हो जाता है। अब आप देख लीजिए 2 रुपए की चीज आप 6 रुपए में बेच दीजिए, बाकी रिटेलर कमाएगा। मतलब हर तरीके से बात करूं तो दुगने और तिगने का मार्जिन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस में दे रखा है सर। मेरी सागर इंडस्ट्री का ऑफिस RZB11 रघुनगर पंखा रोड डाबड़ी मोड़ फ्लाई ओवर के पास श्री राम हॉस्पिटल के साथ में है, जो नई दिल्ली में स्थित है। जो आदमी भी मेरे से मिलना चाहे, आना चाहे, वो चाहे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार बस अड्डा या सराय कालेगा या ISBT,
जहाँ भी आए मेरा स्टाफ उसको आने में पूरी मदद करता है, फॉलो करता है कि कैसे कैसे आपको आना है। जिन भाइयों के पास रहने के लिए जगह नहीं है उनको हम रहने की जगह भी मुहैया करवाते हैं, उनको जगह का साधन का करते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ देते कि जाइए आप कहीं भी भटकिए। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी शानदार से, देखिए ये पूरा बिजनेस, ये पूरा लघु उद्योग आप लोगों का सर के तरफ से स्टार्ट होने वाला है, तो इसको स्टार्ट करिए, आत्मनिर्भर बनिए और महीने के आप लाखों लाख की आमदनी कर सकते हैं।